पुष्पा जी, दोनों दुल्हनों को बुलवाइए। जी पंडित जी। अरे जी जी, वो रहे, देखिए। अगस्त्य, निया को अंदर ले जाओ। जी माँ। थोड़ी देर आराम कर लो बेटा। ये माहौल तो होल्ड पे चला गया। चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए, मैं भी लवली लवली तरीके से अपने स्टाइल में सेलिब्रेट करके आता हूँ। गुड्डन जी, मैं बस साय से गया और सन्न से वापस आया, ठीक है? हमारा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? डॉ कृष्णा हम सही तो कर रहे हैं ना? जिंदल भवन, जिंदल रेस्टोरेंट, जिंदल की बेटी सब मेरी होने जा रही है। जश्न तो बनता है। हमारी बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। और आप छोटी के खिलाफ कुछ भी बोल सकती हैं। अरे जाने दीजिए ना आप लोग, बच्चों की खुशी में हम सबकी खुशी है। और आज का इतना अच्छा दिन है, क्यों लड़ाई करके आप लोग खराब कर रहे हैं? अपनी समधन से कहो हमारे मुंह ना लगे। हमें भी आपके मुंह नहीं लगना। अरे जी जी, आप लोग फिर से शुरू हो गए। आज के दिन तो रहने दीजिए ना। पंडित जी, हम क्या कह रहे थे, जी निया बेहोश है तो क्या हुआ, अभी उसको आराम करने देते हैं, तब तक मनिया और गुड्डन की रस्म कर लेते हैं, है ना? जी बिल्कुल, इनके दूल्हे जैसे ही आते हैं हम विधि शुरू कर देंगे। अब वर वधू जयमाला के लिए खड़े हो गए। अब आप दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंगरीकाक्ष मंगलायतनम। भ्याम नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। अब वर वधु दोनों आहुति डालेंगे। ओम गंगणपताये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। हारव, हमारी छोटी की शादी हो रही है, कान्हा उसे हमेशा खुश रखे। क्यों नहीं रहेगी, नहीं रखेगा ना उसका ख्याल? और अगर नहीं रखेगा तो फिर मेरा बैठ तो है। हमारी हेल्प करना, मुझे ताकत देना जिससे रिश्ता और अपना ससुराल मैं दोनों अच्छे से संभाल पाऊं। आपके और मामा पापा की ब्लेसिंग्स की जरूरत है मुझे। अब कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता आगे आए।
पंडित जी, बड़ा भाई बाप के समान होता है डीजे। मैं करूंगा अपनी छोटी का कन्यादान। वर अपना दाहिना हाथ आगे लाए। आरव जी, वधू का दाहिना हाथ वर के दाहिने हाथ में दीजिए। वधू के माता पिता और परिवार का सम्मान करेगा। वर जीवन की तीनों अवस्थाओं में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में उनके साथ रहेगा। और वर यह वचन देता है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ घर की सारी जिम्मेदारियों का पालन करूंगा। घर से जुड़े किसी भी कार्य में, लेन देन में वर वधू की सलाह हमेशा लेगा। और वर वधू को यह वचन देता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में वधू का अपमान कभी नहीं करूंगा। वर वधू को यह वचन देता है कि मैं पराई स्त्री को अपनी माँ के समान समझूंगा और किसी भी पराई स्त्री को अपने रिश्तों के बीच नहीं आने दूंगा। न जाने क्या पाप किए होंगे तुमने सोना पिछले जन्म में, जो अब तुम्हें ये गधी जैसी बहू मिली है। क्या जीजी, आप भी ना, मैं सिंदूर का रस्म करवा के आती हूँ। अब आप दोनों पति पत्नी के अटूट और पवित्र रिश्ते में बंध गए हैं। विवाह संपन्न हुआ। राशि कहाँ रह गए? आरुषि, जाकर अगस्त्य को बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी माँ। तुम्हारी दुल्हन यहाँ मंडप पर बैठी और तुम कहाँ घूम रहे हो? आओ जल्दी, इस बार हमारे मुहूर्त में कोई विलंब नहीं आना चाहिए। बैठो। पंडित जी, दूसरा जोड़ा भी आ गया है, रसम जल्दी शुरू कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को नमस्कार करिए। ओम गणानंद गणपदे बम हवामहे प्रियानंद प्रियपदे बम हवामहे निधिनां। और मुझे भरोसा कि आपके और दीजिए के आशीर्वाद से जो आज रसम हुई है वही मेरे जीवन के लिए सही अगला कदम है। इसलिए मुझे ताकत दीजिएगा कि ये शादी निभा पाना मुझसे हो पाए। एकदम भन्नाट जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। क्या कहती दुर्गा जी, है ना? चलो भाई, अब कान्हा जी का आशीर्वाद तो हो गया, बड़ों का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। एक मिनट। मम्मी, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? उधर हट, कांड करके बैठा है। ये क्या हो रहा है? कहाँ था तू इतनी देर से? अरे मैं तो यही था। तू यहाँ है तो वहाँ गुड्डन के बगल में सहरे के पीछे कौन है?
खजना राशि दिख रही है ना भाई। जे यहाँ और वो वहाँ। पप्स नेली लॉर्ड कृष्णा जी ने मेरी विश पूरी कर दी। इतना बड़ा धोखा। कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? कैसे? पहले मेरा घर, मेरा रेस्टोरेंट, मेरे सपने, मेरी खुशियां सब छीन लिया। और सब छीन के भी चैन नहीं मिला तुमको कि मेरा वजूद भी छीन लिया तुमने आज। बस मनी ठीक कह रहा है। छोटी वैसे भी सगस्ते के साथ इस शादी से मंजूर नहीं है, पता छोटी? छोटी कहाँ चली गई? अभी यही थी ना। छोटी नो, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है यार एक बार फिर से, बट हम बातें करके ये सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिस चीकू से मैं मिली थी ना, वो ऐसा नहीं था। सब बर्बाद कर दिया है तुमने। सूखे पत्तों की जैसी मेरी लाइफ हो गई है, एकदम सूखी। सब बर्बाद कर दिया, सब फिनिश, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए आप छोटी को दोष दें। छोटी ही अगस्त्य को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले आई है। अगर आप उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके बारे में बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं है आपको। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि ये लड़की आसपास हो और कोई भी काम शुभ हुआ हो? आज इसकी मनहूसियत का शिकार हमारा बेटा हुआ है। अगर चिको को कुछ भी हो गया ना छोटी गुड्डन, तो जिंदल परिवार की ईंट से ईंट बचा देंगे हम। कल करवा चौथ है और सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, व्रत रखती है। 1760 सेकेंड नहीं हुए शादी को हुए और ये लड़की अपने सुहाग की उम्र कम करने पे लगी हुई है। ये छोटी गुड्डन तो अपनी बड़ी गुड्डन के जैसे अपशगुनी निकली। बस एक और शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम सरू माँ से पहले सरू चाची थी। मेरा बेटा कैसा? मैम सर पर गहरी चोट आई है, अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना? जब तक
तुम यहाँ हो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हारा साया भी हमारे बेटे के आसपास नहीं पड़ना चाहिए। निकलो यहाँ से। अगर आपको लगता है कि मेरे जाने से अगस्त्य ठीक हो जाए, मैं चली जाती हूँ। चलिए ठीक है। पहले मेरा रेस्टोरेंट छीना, फिर उसे बचाने की कोशिश में मदद भी करी, धोखे से शादी कर ली, पर अपनी जान जोखिम में डालते हुए मेरी जान बचाई, और सबसे बड़ी बात की कनात बच्ची को अपनाकर उसे एक परिवार और पिता का प्यार दिया। अगस्त्य को समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं, झूठ और सच, छल और अच्छाई के बीच की उलझन में फंस के रह गई हूँ। अजीब सी कंफ्यूजन हो रही है। कौन है अगस्त्य? वो जिसने मुझे धोखा दिया या वो जिसने मेरी जान बचाई? वो जिसने एक अनाथ बच्ची को नई जिंदगी दी? समझ नहीं आ रहा क्या सच क्या है उसका पापा। ये तो तुझे अपने दिल से पूछना पड़ेगा छोटी। शुरुआत हो रही है, देखना सब सही होगा। आज क्या है टीचर? आज करवा चौथ है, एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा दिन। तेरे ससुराल में तेरा सफर शुरू छूटे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ छूटे। बस हमें अब तेरी जिंदगी से जाना होगा। खुद पर भरोसा रखना, हम जीत तेरी होगी। ठीक है। मैंने मैंने तय किया है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी और अगस्त्य के साथ ये शादी भी निभाऊंगी। अपनी टीचर और आरव भैया के सुझाव के विपक्ष में जो इतना बड़ा फैसला लिया है शादी निभाने का, उसे आपके आशीर्वाद की जरूरत है भगवान जी। अगस्त्य और मेरे बीच जो भी हुआ उससे अब आगे बढ़ के उन्हें अपना पति मानते हुए मैंने पूरी शिद्दत से आज करवा चौथ का व्रत रखा है। मेरी प्रार्थना असफल न होने देना, प्लीज अगस्त्य को ठीक कर दीजिए और वो सही सलामत घर लौट आए, बस यही विनती है मेरी आपसे। तुम्हारी औकात पे हम लाएंगे।
पहले अकेली थी मैं पुष्पा जी, मासूम सी लड़की थी इसलिए सब सह लेती थी, लेकिन अब नहीं। अब एक सुहागन औरत हूँ, आपके बेटे की पत्नी और आपकी बहू हूँ। फिर अंदर आइएगा। जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है। अब जब तक अगस्त्य ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम रेस्ट करो। मेरे हाथों अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। आप आओ बैठो। हेलो, तुम हो? हाय भाई, मैं आपका सारा सामान लेकर आ गई हूँ। आई होप कुछ मिस ना हुआ। नाउ यू टेक केयर भैया एंड गेट वेल सून। और अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जस्ट कॉल मी, ओके? या। वेलकम टू द फैमिली भाभी। यू टेक केयर, आई विल सी यू। मैं तुम्हारे लिए फ्रेश कपड़े निकाल देती हूँ, ये बैग में होंगे ना? वो फोन लेने आई थी। तुमने ये शादी तो अपना ली गुड्डन, अगर इसके पीछे का राज जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जिम जाके बॉडी क्या बना ले, कहीं भी शॉट निकाल के खड़ा हो जाता है। तो फोन किसे करने वाले थे? डीजे को। देखो तो ठीक ठाक पहुंची है कि नहीं। मेरे सामने साक्षात सरू माँ खड़ी, और तुम चश्मा पहन के भी नहीं देख पा रही हो। खैर कोई बात नहीं, शादी के बाद आज तुम्हारी पहली रस्म है। जाओ तैयार हो जाओ। और हाँ, जीवन के इस नए अध्याय में अपनी माँ की तरह गलतियां मत करना। अब तुम्हारी माँ को तो ऐसी होनहार समझदार बहू मिली थी, पर यहाँ का पता है ना, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। लड़की को तुम इस घर की बहू बनाना चाहती थी सोना, लेकिन सच ये है कि ये लड़की हमारे अगस्त्य की धर्म पत्नी है और अब हमारी बहू। ये शादी जैसे भी हुई हो मगर अब हो गई है, और आज के बाद हमारी बहू से तुम इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करोगी। ये पुष्पा जी को अचानक क्या हुआ?
हुआ है नहीं, अब होगा वही जो हम जानते हैं और जिस वजह से तुम्हारी अगस्त से शादी हुई है। हमारा मकसद होगा पूरा और वो तुम करोगी गुड्डन। मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। पुष्पा जी ने तो मुझे वो गाना भी नहीं गाने दिया। सासू जी तूने मेरी कदर ना जाने, ये तो सासू माँ की जगह मम्मी जी बन रहे हैं। तभी तो इस शादी को निभाने का फैसला लिया है। मैं भी चाहती हूँ कि एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू साबित हो सकूं। जो मेरे ऊपर वो गधी वाला टैग है उसे हटाकर खुद को सबको प्रूव कर सकूं। हमें पूरा यकीन है कि इस बार तुमने जो फैसला लिया है वो सही साबित होगा। तुमसे सब हो पाएगा गुड्डन, हम है ना तुम्हारे साथ। चिकू हमारे साथ नीचे चलोगे? नीचे रसम की तैयारियां चेक करनी है। चलिए मां। गुड्डन तब तक तैयार हो जाएगी। जी। ना मम्मा पापा है, ना डीजे और ना ही आरफ भाई है। काश सब हमारे साथ होते आज। आप तो है ना हमारे साथ बढ़ कृष्णा। चलो मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। आइए 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 आप सब और मिलिए हमारे अगस्त की पत्नी हमारी बहू गुड्डन से। ये लो। तुम यहां? शादी तो मेरी हुई नहीं, लेकिन जितना समय मैंने आप सबके साथ बिताया है उस दौरान गुड्डन से मेरा एक अनजाना सा रिश्ता जुड़ गया था। उसी रिश्ते की खातिर मुझे गुड्डन की इस रस्म में शामिल होने आना ही पड़ा। तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ मैं। जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? और जब मैंने सब कुछ लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम भी कर लो, लाइफ पीसफुल हो जाएगी। इतनी हिम्मत, ये अब सिर्फ गुड्डन नहीं गुड्डन बिरला है, बिरला खानदान की बहू, और हमारी बहू की बेइज्जती हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरह की उलझन, संकट, विघ्न या मनहूसियत
हमारे रहते हमारी बहू के आसपास भटक भी नहीं सकती, समझे तुम? इससे बड़ी मनहूसियत हमने आज तक नहीं देखी। हमारी कैसे बताऊं गुड्डन को कि माँ का उसके प्रति बदला हुआ बर्ताव किस कारण से है? माँ की दी हुई कसम की वजह से इतना मजबूर हूं कि गुड्डन को चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पा रहा हूं कि ये सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है। उसे अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना चाहता मैं, मगर क्या करूं, कैसे निकलूं इस मजबूरी से? बात सुनो, जब मकसद इतना बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा दुख तो सहना पड़ेगा ना बच्चा। निया, भूलो मत, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा है। निया, पुष्पा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हमें जीत हासिल करनी है तो उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। और वैसे भी वो गुड्डन बेवकूफ है, वो कभी नहीं जान पाएगी ये आम सी शादी किसी खास मकसद के लिए कराई गई। बातें कह सकूं, बात कर सकूं, कुछ एडवाइस ले सकूं या तुम्हारे अलावा जो भी कुछ हुआ है ना अगस्त, है मैं चाहती हूँ कि अब हम उसे भूल के ना अच्छे से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि हमारी शादी हो गई है तो हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करें, हमारा रिश्ता ट्रस्ट पे, ट्रुथ पे बेस्ड हो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। कुछ है क्या ऐसा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो?